तो हाँ जी गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हरप्रीत ब्लॉग्स। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत सारी पीपीएस के बारे में। वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना जी। अगर नए व्यूअर्स हो चैनल पर तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, टैप करके ही वीडियो को बंद करना, क्योंकि मैं डेली स्पाउस वीजा के ऊपर अपडेट लाता हूँ। तो चलिए गाइस, करते हैं वीडियो की शुरुआत। सो गाइस, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारी पहली टाइमलाइन के साथ, जो 31 जुलाई 2021 की फाइल है। 21 जनवरी 2020 को इनके बायोमेट्रिक हुए थे एंड उसके बाद 26 मार्च 2022 को फाइनली इनको पीपीआर मिल गई। उसके बाद बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइमलाइन, फाइनली गॉट माय पीपीआर। फाइल सबमिटेड है जी 31 जुलाई 2021 की। बायोमेट्रिक हुए इनके 16 अगस्त को। मेडिकल अपडेट हो गया इनका 10 फरवरी 2022 को एंड उसके बाद रिव्यू स्टार्ट हुआ जी इनका 1 मार्च 2022 को एंड फाइनली 26 मार्च को इनको पीपीआर मिल गई। सो उसके बाद बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइमलाइन, फाइनली आई गॉट माय पीपीआर टुडे। 25 मार्च 2022 की पीपीआर है। फाइल सबमिट हुई इनकी 15 अप्रैल 2021 को। मेडिकल इनका डन एंड अपडेट हो गया था 22 अप्रैल 2021 को। अपफ्रंट मेडिकल था इनका 19 मार्च 2021 का एंड मेडिकल अपडेट हुआ 28 अक्टूबर 2021 को। इनको री मेडिकल रिक्वेस्ट मिली 10 मार्च 2022 को एंड उसके बाद री मेडिकल इन्होंने अपना करवाया 12 मार्च 2022 को एंड उसके बाद इन्होंने वेबफॉर्म रेज किया था 14 मार्च 2022 को। री मेडिकल भी इनका अपडेट हो गया था 21 मार्च 2022 को एंड उसके बाद फाइनली इनको पीपीआर एंड कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर मिला 25 मार्च 2022 को। इनका जो स्पाउस है वो स्टडी परमिट पर है और इनका जो स्टडी परमिट है वो अप्रैल 2023 तक वैलिड है। सो उसके बाद बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइमलाइन, प्रिवन गॉट पीपीआर। टाइमलाइन है अप्लाइड टुगेदर फैमिली वाइफ स्टूडेंट, अप्लाइड ऑन 2 दिसंबर 2021। बायोमेट्रिक अपडेट हुए इनके 21 दिसंबर 2021 को। मेडिकल अपडेट हुआ इनका 23 दिसंबर को एंड फाइनली इनको पीपीआर मिली 26 मार्च 2022 को। एंड एसओडब्ल्यूपी की बात करते हैं, हस्बैंड का जो डिपेंडेंट है अप्लाइड किया था इन्होंने 2 दिसंबर 2021 को। बायोमेट्रिक इनके अपडेट हो गए थे 21 दिसंबर को। मेडिकल अपडेट हो गया था इनका 25 फरवरी 2022 को एंड फाइनली इनको भी पीपीआर मिली 26 मार्च 2022 को। एंड इनके जो सन है 2 साल का बेटा है, उनकी जो फाइल है वो भी 2 दिसंबर को साथ में अपलोड हुई थी, इनके बायोमेट्रिक की लोड नहीं थी। एंड मेडिकल अपडेट हुआ इनका 14 फरवरी 2022 को एंड फाइनली इनको भी 26 मार्च 2022 को पीपीआर मिल गई। सो स्टूडेंट, स्पाउस एंड विस्टर की फाइल थी जो टुगेदर लगी थी, तीनों को एक ही दिन 26 मार्च 2022 को पीपीआर मिल गई। उसके बाद बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइमलाइन, जो 31 अक्टूबर 2020 की फाइल है। बायोमेट्रिक इनके हुए 25 जनवरी 2021 को। डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट इनको मिली 31 दिसंबर 2021 को। डॉक्यूमेंट सबमिट किया इन्होंने 14 जनवरी 2022 को। मेडिकल रिक्वेस्ट इनको मिली थी 26 फरवरी 2022 को एंड उसके बाद 7 मार्च को इन्होंने अपना मेडिकल करवाया। मेडिकल अपडेट होने के बाद 23 मार्च को मेडिकल अपडेट होने के बाद फाइनली इनको भी 25 मार्च 2022 को पीपीआर मिल गई। सो उसके बाद बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइमलाइन, जो 26 मई 2021 की फाइल है। बायोमेट्रिक 21 जुलाई 2021 के हुए। मेडिकल डन हुआ जी इनका 26 जनवरी 2022 को। मेडिकल अपडेट इनका जीसीके में हुआ 9 फरवरी 2022 को एंड फाइनली इनको भी 25 मार्च 2022 को पीपीआर मिल गई। सो उसके बाद बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइमलाइन, अपफ्रंट मेडिकल है जी इनका 28 अगस्त 2021 का। फाइल सबमिट है 21 सितंबर 2021। बायोमेट्रिक डन हुए इनके 5 अक्टूबर 2021 को। बायोमेट्रिक अपडेट भी उसी दिन हो गए थे एंड उसके बाद इन्होंने अपने फाइल की जो प्रोसेस है उसे स्पीड अप करवाने के लिए मेल की थी एम्बेसी को 20 अक्टूबर 2021 को, ठीक है। एंड उसके बाद इन्होंने मेल की थी अपना मेडिकल अपडेट करवाने के लिए, वो 2 नवंबर 2021 को की थी। मेडिकल अपडेट हो गया इनका 18 नवंबर 2021 को। मेल द्वारा इन्होंने की अपनी 22 नवंबर 2021 को। वेब फॉर्म भी बहुत सारे रेज किए एंड उसके बाद फाइनली इनको 24 मार्च 2022 को पीपीआर मिल गई। सो गाइस, ये थी हमारी आज की अपडेट। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करके जाना। सो शाम को भी दूसरा पार्ट 6 बजे जरूर आएगा, उसे भी जरूर देखना है, उसे भी शेयर जरूर करना है। सो मिलते हैं जी शाम वाली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।